एक बूढ़ा व्यक्ति जॉन और उसकी पत्नी जैन एक झोपड़ी में रहते हैं। आज जॉन का जन्मदिन है। जैन उसके लिए केक बनाने का फैसला करती है। जब जॉन बगीचे में काम करता है, जैन रसोई में जाती है। वह कुछ जिंजरब्रेड बनाने का फैसला करती है। अचानक उसे एक विचार आया। तो चलो मैं जिंजरब्रेड को एक आदमी के आकार में बनाती हूँ। मैं उसे जिंजर कहूंगी। जैन ने कहा। तो जैन आटा बाहर रोल करती है और इसे एक आदमी के आकार में काटती है। वह मुंह के लिए एक छोटी कुकी रखती है। फिर वह आंखों के लिए दो चॉकलेट चिप्स और बटन के लिए तीन लाल चेरी लगाती है। इसके बाद वह जिंजरब्रेड मैन को बेकिंग ट्रे में रखती है और ट्रे को बेक करने के लिए ओवन में रखती है। वह कुछ देर वेट करती है। फिर वह अपने ओवन में मिटर्स लगाती है और ओवन का दरवाजा खोलती है। लेकिन जैसे ही वह ऐसा करती है, जिंजरब्रेड मैन बेकिंग ट्रे से उठकर नीचे कूद जाता है। वह खुले दरवाजे से घर से बाहर भागता है। जैन उसके पीछे भागती है। जिंजर, रुको, मत जाओ, हम आपको रात के खाने में लेंगे, उसने कहा। नहीं, आप मुझे रात को खाने के लिए नहीं ले सकते, जिंजर ने कहा। फिर वह भाग जाता है। दौड़ो, जितना तेज दौड़ सकते हो दौड़ो, तुम मुझे पकड़ नहीं सकती, मैं जिंजरब्रेड मैन हूँ। और वह भाग जाता है। बैसी गाय उसे देखती है। अरे रुको, तुम लगते हो, लेकिन जिंजर भाग जाता है। दौड़ो, जितना तेज दौड़ सकते हो दौड़ो, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, मैं जिंजरब्रेड मैन हूँ। और वह भाग जाता है। रास्ते में पैप्पी पिग जिंजर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जिंजर भाग जाता है। भागो, जितनी तेज दौड़ो, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, मैं जिंजरब्रेड मैन हूँ। और वह भाग जाता है। जल्द ही जिंजर एक नदी में आता है। इसे पार करना चाहता है, लेकिन अगर वह पानी में गिर जाए तो वह गीला हो जाएगा। वह नहीं जानता कि क्या करना है। अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। यह प्यारे फॉक्स है, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको नदी के उस पार ले जाऊं? फॉक्स ने पूछा। हाँ, लेकिन क्या तुम मुझे खा जाओगे? जिंजर ने कहा। नहीं, मेरी पीठ पर चढ़ो, मैं आपको वहां तक नहीं पहुंचा सकता। जब हम दूसरी तरफ पहुंचते हैं तो आप कूद सकते हैं, फॉक्स ने कहा। अदरक को यह विचार पसंद आया। वह प्यारे की पीठ पर चढ़ जाता है। जब वे नदी के बीच में पहुंचते हैं तो फॉक्स कहता है, यहाँ पानी गहरा है, मेरे सिर पर कूदो, जिंजर ने कहा। वह फॉक्स के सिर पर कूदता है। कुछ समय के लिए फॉक्स कहते हैं, तुम भारी हो, मेरे सिर में दर्द होता है, कृपया मेरे स्नाउट पर बैठो। ओके, जिंजर कहते हैं और फॉक्स के स्नाउट पर बैठ जाते हैं। जैसे ही जिंजर फॉक्स के स्नाउट पर बैठता है, फॉक्स उसे हवा में उछालता है और उसे अपने मुंह में पकड़ लेता है। एक बड़े घूंट के साथ जिंजर। इस प्रकार जिंजरब्रेड मैन की कहानी समाप्त होती है।